गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 करेंगे जिसका सब्जेक्ट हिंदी है और ये 18 अक्टूबर की है। तो बच्चों, अब तक आपने जाना कि साहित्य में भी एक ऐसा अंग है जिसकी अनुभूति अर्थात महसूस करना हो तो हम कर सकते हैं। जब आप कोई बुक पढ़ते हैं या फिर कोई कोई भी लिटरेचर की स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो हमारे अंदर हम वो भावनाएं जो आती हैं वही रस कहलाती हैं, किंतु वे हमें दिखता नहीं है। इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम व्याकरण साहित्य के उस महत्वपूर्ण अंग रस को जानेंगे। अभी आज की ही जो वर्कशीट थी हिंदी की, आपकी रस के बारे में थी, तो वो वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। आप अगर उसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके रस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जब हमें कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति महसूस होता है, आनंद की अनुभूति होती है। काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। रस के जो अंग होते हैं वो चार होते हैं। एक हो गया स्थायी, विभाव, अनुभाव और संचारी। स्थायी वो होते हैं जो स्थायी रूप से हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं, ठीक है। अब जो विभाव है, ठीक है, विभाव हमारा क्या होता है, जो स्थायी के उद्बोधक होते हैं, ठीक है, स्थायी के जो उद्बोधक होते हैं। जैसे हमने ये वाली वर्कशीट की थी ना, ये देखो, इसमें कहा गया था जो स्थायी भावों के उद्बोधक, मतलब उद्बोधक का कारण बनेंगे, मतलब उसको जो जगाएंगे वो विभाव कहलाते हैं। विभाव हमने देखा था दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, ठीक है, ये हमने समझ लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, जो संचारी हैं आते जाते रहते हैं, मतलब स्थायी भावों के साथ ही एकदम से हमें कुछ हंसी आ गई, ठीक है, फिर हम चुप हो गए, इस तरीके से। अब जो आपके यहाँ पे हम करेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बनाए गोले पेंसिल से भरिए। साहित्य में रस कहे किसे कहा गया, आनंद की अनुभूति को, ठीक है। अब रस के चार अंग कौन से, स्थायी भाव, विभाव, आलंबन और संचारी भाव, ठीक है। देन सी हो जाएगा इसका आंसर, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि स्थायी भाव जिसका सहारा पाकर जागते हैं, यहाँ पे जागृत हो रहे हैं, तो जगेंगे तो आलंबन विभाव से। मन में उत्पन्न भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है, मतलब ऐसी कोई प्रक्रिया जिससे हमारे मन में भावनाएं उत्पन्न हो जाएं। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव पुष्ट होता है, यहाँ पे क्या है ये ध्यान रखना, यहाँ तो ये जागृत होता है, ये जगता है, ठीक है, यहाँ पे पुष्ट होता है यानी कि वो ऑलरेडी विद्यमान है और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है, तो उसके लिए हमारा आ जाएगा उद्दीपन विभाव, ठीक है। अब स्थायी भावों के उद्बोधक का कारण बताओ, स्थायी भावों के उद्बोधक का कारण कौन सा है, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव या फिर संचारी भाव। तो यहाँ देखिए, हमने देखा था स्थायी भाव के उद्बोधकों का कारण जो था विभाव था, ठीक है। यहाँ पे आज की ही वर्कशीट से ये मैंने कराया है, तो आंसर ये हो जाएगा, वे भाव जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं, वे भाव जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं स्थायी भाव कह सकते हैं, अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। अनुभावों की कुल संख्या कितनी है, अनुभावों की जो कुल संख्या है, यहाँ देखिए हमने किया था, ये मैंने आप लोगों को कहा भी था कि आप लोगों को अच्छे से ही याद करके रखना है। ये देखिए आठ, ये जो चीज़ें मैंने एटलीस्ट अभी तक अगर आपने अंडरलाइन नहीं किया है या फिर मार्क नहीं किया या याद नहीं किया है तो यहाँ से अभी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने किसकी संख्या पूछी है, इन्होंने पूछी है संख्या अनुभावों की कुल संख्या। तो यहाँ पे देखो, अनुभाव की कुल संख्या आठ प्रकार की होती है, ठीक है, आठ प्रकार की होती है अकॉर्डिंग टू योर बुक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद भी होता है, उत्साह भी होता है, हास्य भी होता है, शोक तो नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8। तो चलिए अभी बस थोड़ी ही देर में हम असेसमेंट नंबर 9 भी करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय।